मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा नहीं जाए। अपने कमाई का 10% मैं अपने जनता के बीच में पहले भी वचन लिया है, आज भी ये संकल्प ले रहा हूं कि 10% पूरा जनता के बीच में मैं बांटूंगा, और मेरा जनता जैसा मैं वैसा हमारी जनता। तो मेरा यही फिर से एक बार भाव बीज, दीपावली और 6 दिन के बाद छठ बड़ा त्योहार आ रहा है, वो सबको हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता व समाज सेवक नवीन सिंह जिस तरह से अपने वार्ड के माध्यम से, अपने जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से सभी धार्मिक कार्य करते हैं, सभी त्योहारों पर अपने यहाँ के स्थानिक नागरिकों को यहाँ पे बुलाकर उनके साथ में एक स्नेह सम्मेलन करते हैं, इसी प्रकार आज भाई दूज है तो उन्होंने अपने वार्ड के सभी बहनों को यहाँ पे निमंत्रित किया था। यहाँ पे सभी बहनें अपने बीजी शेड्यूल में भी यहाँ पे उनसे मुलाकात करने आई, अपने भाई के बुलाने पर एक बहन यहाँ पे आई। आइए बात करते हैं भाजपा नेता समाज सेवक नवीन। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मीरा बाइंदर, सभी रहवासियों को मैं दीपावली एंड भाव बीज के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज भाव बीज का एक महान त्योहार है, मैं अपने वार्ड के सारी बहने को उनकी शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया था। भाई बहन का किस तरह का प्यार है वो भाव बीज के ही जाना जाता है। हमारे बॉर्डर पे सारे भाई जो भारत के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, कहा जाता है कि बच्चे पर माँ की कृपा होता है, तो आज जो त्योहार है वो एक भाई का बहन का कृपा होता है। बहन अपने घर में बैठ के उनको युद्ध में विजयी होने के लिए यहाँ पर ये त्योहार मनाते हैं कि हमारा बॉर्डर पे विजयी होकर आवे और घर लौटे, और तिलक लगाता है बहन, वो उसी को भाई बीज कहते हैं। आप जानते हैं कि संपूर्ण महाराष्ट्र में विधानसभा का बिगुल बज चुका है, उसी कड़ी में 145 विधानसभा में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र मेहता जी को टिकट दिया गया है। मीरा भाईंदर में आज विगत एक साल से आप ही के चैनल मीडिया स्तंभ है, बोलते हैं कि भाजपा बटा हुआ है। तो ये सिद्ध कर देगा कि नहीं, भाजपा परिवार एक छत के नीचे सारे कार्यकर्ता हैं, और मीरा भाईंदर में भाजपा का ही पंचम लहराएगा। विरोधियों का यहाँ पर जमानत जब्त होगा, और 145 से एक उम्मीदवार देंगे, और संपूर्ण महाराष्ट्र में हमारे फडणवीस जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रहा है। आप यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, सारी त्योहार का यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे जिस हिसाब से आज भाव बीज का एक्सप्रेस सभी बहने आई थी, तो सभी बहनों के चेहरे पर मुस्कान किस तरह का था, और उन्होंने क्या कहा आपसे बात करते हैं? देखिए, आपको तो मालूम पड़ गया होगा कि आज भाव बीज के जैसे बिजी शेड्यूल में सारे बहने अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पर आए, सारे हमारे गार्जियन यहाँ पर आए, किसी अपने बहन के यहाँ जाना था, बहन भाई के यहाँ, भाई को बहन के यहाँ आना था, और शॉर्ट टाइम में ये इतनी क्राउड आया, तो हमें गर्व होता है कि हम किस तरह के हमको एक समाज सेवक लोगों ने माना है। और आज मैं हृदय से आभार उन लोगों को देता हूं कि शॉर्ट टाइम के नोटिस में इस दीपावली सम्मेलन में सब हिस्सा लिए, मैं गौरवान्वित हूं। छठ पूजा आने वाला है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, सुना कि बिहार से ज्यादा पूरे भारत देश में या विदेशों में जो रहते हैं छठ पूजा मनाया जाता है, क्या कहना चाहिए? क्या कहना, 6 तारीख का छठ है। विगत 2-3 सालों से कोरोना काल में भी हम लोगों ने कृत्रिम तालाब के माध्यम से
छठ पर्व मनाए हैं। हम बिहार से बिलोंग करते हैं, एक बहुत ही धूमधाम से यहाँ भी आस्था, एक आस्था का किरण है, उगते सूर्य और डूबते सूर्य की आराधना किया जाता है और 6 तारीख को बहुत ही धूमधाम से तालाब पे छठ मनाएंगे। नमस्कार, 16 नंबर वार्ड से श्री नवीन सिंह जी हैं, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, जितने बेटर इतने अच्छे हैं ना कि चाहे वो कोई भी वार्ड है, जितना चार चार छः छः नगर सेवक मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं उतना वो अकेले कर पा रहे हैं, और धार्मिक कार्य के लिए भी तो पूछो ही मत, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे क्या वो पूरे श्रेष्ठ हैं, और 16 नंबर वार्ड से उनका अधिकार है और हक भी बनता है कि आने वाले दिनों में नगर सेवक वही बने। आज भाई दूज है तो एक पवित्र त्यौहार है, वो सबके लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं और सबको अच्छा आशीर्वाद देते हैं कि सब सुखी रहें, बने रहें, स्वस्थ रहें, एंड जो भी उनको व्यवस्था होती है, सुविधा देनी होती है वो। नवीन जी को मैं लंबे समय से जानता हूँ, इनके मन में जो इलाके के उत्थान के लिए सोच है उसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहा। मेहनती व्यक्ति हैं, सफलता होने के बाद मैं ऐसे अनगिनत लोगों को जानता हूं कि सफल होने के बाद थोड़ा सा कट लेते हैं, लेकिन इनका उल्टा है, जैसे जैसे ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वैसे वैसे लोगों से ये जुड़ रहे हैं, और जब सफल होने के बाद ये जुड़ रहे हैं तो लोग इनके साथ जुड़ेंगे ही। नाम है नवीन, इस नाम की इतनी सरगर्मी है कि हिंदुस्तान की सियासत एक मिनट में गर्मा जाती है, समझने वाले समझ गए होंगे। जिंदगी जिंदादली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं, वह इनके अंदर बहुत बड़ी काबिलियत है। और एक ही शेर कहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं। हवाएं जोर कितना भी लगाएं आधी अमल कर, मगर जो फिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। आप लोग लाएंगे तो शायद इस वार्ड का और बढ़िया विकास होगा, और तो अपनी इनकम का 10% आप लोगों के ऊपर वैसे भी खर्च करने वाले हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि हुए नहीं हुए तो इन्होंने वादा किया है, तो मैं नवीन भाई को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ और जितने आए हुए शुभचिंतक हैं।